सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो। तो आज हम बात करेंगे बिग बॉस के बारे में। ये वाला जो बिग बॉस का सीजन आया है वो लगता है काफी खास को चल ले रहा, तभी तो ये बिग बॉस वाले शो में हर हफ्ते एक वाइल्ड कार्ड घुसेड़े जा रहे हैं। ते तो वाइल्ड कार्ड डाल दिया है शो में कि अब इसका नाम बदल के वाइल्ड कार्ड शो कर देना चाहिए। वहाँ रिसेंटली एक नया वाइल्ड कार्ड डाला इस शो में, K-pop सिंगर आउरी। तो भाई जिसका नाम ही लेने में इतनी दिक्कत आ रही है, उसको शो में देखने में कितनी दिक्कत आएगी। इसमें और इस ओरी में बस एक लेटर A का डिफरेंस है, क्योंकि हरकतें तो दोनों की सेम ही है। भाई इस ओरी के नाम पे पीछे एक L लगा देना तो इसका नाम इस पर सूट करने लगेगा। हाँ, तो इसे बिग बॉस वालों ने अपने शो में बुलाया अपने शो की TRP बढ़वाने के लिए, क्योंकि इन अखंड चूतियों का ये मानना है कि इसके शो में आ जाने से लड़कियां इनका शो ज्यादा देखेंगी। भाई इस हिसाब से तो मियां खलीफा भी बुला लेते, लड़के भी ज्यादा देखते। मुझे तो ये समझ नहीं आते इन लड़कियों को कोरियन में दिखता क्या है। एक साले वो है BTS लवर, बहन चुप गा तो रहे हैं पर समझ नहीं आ रहा क्या गा रहे। इन जैसे लोगों ने देश को डुबाया right. और भाई तुम्हारे जैसे चिकने को हमारे यहाँ पे मीठा कहा जाता है। क्या मतलब, मेरी भी नहीं आती। हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कोई तकलीफ नहीं होती। समय पे बिग बॉस हिंदी शो हुआ करता था, अब अलग अलग किस्म के प्राणी डाल के इसे इंटरनेशनल शो बना दिए। बिग बॉस वालों मुझे एक चीज बताओ, ये जो पिछला OTT का सीजन था जिसमें जैद ने किस ली थी, तब तो सलमान खान उसके ऊपर चढ़ गया कि ये पारिवारिक शो है, इसमें ये सब नहीं चलता। और बैठ जो इस सीजन में समर्थ ईसा के ऐसी ऐसी जगह पप्पी ले रहा है। व्यूअर्स को इतने हफ्ते बाद पता चल रहा है कि ईसा के पास ये भी जगह है। और दूसरा, पहले तो इंग्लिश बोलने पे टोका करते थे और अब साले पकड़ पकड़ के खुद ही अंग्रेज डाल रहे हो। क्यों, TRP के लिए? साला अंग्रेज तक तो समझ आता है, कोरियन तक डाल दिया, कम से कम सबटाइटल तो दे दो कि कुछ समझ आए। बात तो सही है। तो मैं कहा था वाइल्ड कार्ड, तो इतने तो वाइल्ड कार्ड डाल दिए इस शो में कि आप लोग शौक मत हो जाना अगर अगले सीजन में मोदी जी और मेलेनी चाय के लिए लड़ते दिखे। पहले बिग बॉस जाते थे अपनी इमेज सुधारने और अब बिग बॉस जा रहे हैं अपनी साफ सुथरी इमेज को बिगाड़ने। क्योंकि बिग बॉस वालों ने पहले इन तीनों का लव ट्रायंगल दिखा दिया और अब पता चल रहा है कि हमारे मुनावर भाई भी दो दो लड़कियां को मारे थे। ये है आयशा, जिसका ये कहना है कि मुनावर ने इसे प्रपोज किया था, और ये है नाजीला, जिसका ये कहना है कि ये मुनावर की गर्लफ्रेंड है या थी, ये तो अब बस मुनावर ही बताएगा। तो इन दोनों में से मुनावर ने किस बैंक में अपना खाता खुलवाया ये तो बस मुनावर ही बता सकता है। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। मुनावर भाई ने तो रियल लाइफ में एनिमल बना दी, Baby 1 और Baby 2। अब समझ रहे हो, बिग बॉस वाले भी ये कह रहे हैं कि अगर तू मुझे कॉन्टेंट नहीं देगा तो मैं खुद तुझसे कॉन्टेंट निकलवा लूंगा। मुनावर भाई इन दो लड़कियों के चक्कर में उस मासूम मुनावर को मत भूल जाना। मुझे तो लगता है जो अगला एपिसोड आएगा ना उसका तो नाम ही यही होगा, कौन बनेगी मुनावर की गर्लफ्रेंड। तो ये बिग बॉस की बकचोदी तो चलती रहेगी, तो आइए देखते हैं कुछ मीम्स। आप इतना अच्छा डांस करती हैं, इतनी माहिर हैं आप, तो जाहिर सी बात है आपकी मम्मी जी जो हैं उनके अंदर भी ये कला तो होगी। जी हाँ है। तो आज माँ बेटी को अरे इसमें तो इनकी गलती नहीं है, लोगों ने रोड ही गलत बनाई होगी। हमारा पहली ऐसी लड़की है जो एक लाइन पर 150 बार मुंह बनाती है। बिग बॉस मैंने को आई इस बात से तो मैं भी अग्री करता हूँ, ऐसे तो मुंह बनाती है ये बंदी, लगता है कितनी देर से टट्टी रोक रखी है। देख रहे हो भाई लड़की का चक्कर, मतलब उसके दोस्त ने सही लिखा और उसने अपने दोस्त पे ट्रस्ट ही नहीं किया, उसे लात मार के हकाल दिया कि इसी का सही है। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो, और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और जल्दी जल्दी कमेंट कर दो आपको कौन अच्छी लगी, Baby 1 या Baby 2। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। मेरे दिल में बहुत दर्द है।
और वो दर्द मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ।